एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो बिग बैश लीग का आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में, तो ये मैच 2:45 पर स्टार्ट होगा दोपहर में। मैच खेला जाएगा सिडनी सो ग्राउंड सिडनी में। ये एक बैलेंस सरफेस रहता है बैटर्स और बॉलर दोनों के लिए। एवरेज स्कोर 140-160 यहाँ पर बनता है। 17 मैचेस यहाँ पर अब तक हो चुके हैं, 9 जीते हैं थंडर की टीम ने और एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम ने यहाँ पर 8 मैच जीते हैं। तो हेड टू हेड में जो दोनों ही टीमें आपस में खेली है तो बराबर का मुकाबला देखने को मिला है। पहले बात करेंगे सिडनी थंडर की टीम की, तो सिडनी थंडर की टीम ने अपना पहला मुकाबला यहाँ पर जीता था। इनकी तरफ से ओपन किया था मैथ्यू ग्लिक्स और एलेक्स हेल्स ने। मैथ्यू ग्लिक्स की बात करूँ, पहले मैच में फ्लॉप हुआ था। देखो, ये एक हिटर प्लेयर है। लास्ट सीजन इसके नाम 15 मैच में 295 रन थे और 21 का एवरेज था, जबकि हेड टू हेड में इसके नाम 5 मैच में 106 रन 53 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 40-0-14-26 है। एलेक्स हेल्स आएंगे, पहले मैच में 16 रन किया था, हेड टू हेड में 7 मैच में 185 रन 37 का एवरेज है, जबकि लास्ट सीजन 13 मैच में 383 थे। हाल का फॉर्म उतना बढ़िया नहीं है, अबूधाबी डिटेन में 0-0-6-17-1 है, लेकिन ये एक बड़ा प्लेयर है तो आप ट्राई कर सकते हो। राइली रोशो पहले मैच में फ्लॉप हुआ, 0 रन था। इसका भी अभी का जो फॉर्म है उतना अच्छा है नहीं, 0-28-15-0-26 है। और जो सीज़न 10वां हुआ था उसमें 7 मैच में 105 रन इसके नाम थे, लास्ट सीजन ये नहीं खेला था। फिर बात करेंगे यहाँ पर जेसन संगा की बात करूँ तो 24 रन 0 विकेट इसके नाम था, पहले मैच में 1 ओवर डाल के। लास्ट सीजन 12 मैच में 445 रन 4 विकेट थे, हेड टू हेड में 5 मैच में 190 रन 47 का एवरेज 4 विकेट है। तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है इसका हेड टू हेड में, मस्ट पिक होना चाहिए। सिलेक्शन रेट थोड़ा डाउन है लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एलेक्स रोस हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब रहेगा जब थंडर की टीम पहले बैटिंग करे। 28 रन किए थे पहले मैच में, अच्छी पारी खेली थी इसने। हेड टू हेड में 9 मैच में 195 रन है और रिसेंट फॉर्म 16-6-0-0-56 है। डेनियल सेम्स भाई क्लास प्लेयर हैं, बहुत तगड़ा प्लेयर हैं। पहले मैच में 3 रन 2 विकेट इसके नाम थे। हेड टू हेड में इसके नाम अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप देख सकते हो 9 मैच में 27 रन 15 विकेट है, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है इसका हेड टू हेड में। और अभी इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर 6 के करीब बैटिंग भी कर रहा है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। ओलिवर डाविस पहले मैच में 11 रन किए, हेड टू हेड में 3 मैच में 44 है। रिसेंट फॉर्म 19-2 नो बैटिंग 6-1 हैं। जीएल का ट्राई कर सकते हो आप इसको। क्रिस ग्रीन पहले मैच में 17 रन 1 विकेट था, हेड टू हेड में 14 मैच में 43 5 विकेट है। हेड टू हेड में रिकॉर्ड इसका बहुत गंदा है, लास्ट सीजन भी रिकॉर्ड कुछ खास था नहीं, 12 मैच 82 6 विकेट है। चाहो तो पिक कर सकते हो पहले मैच के बेसिस पे, लेकिन अभी थोड़ा रिस्की मेरे को लग रहा है। गुरिंदर संधू अच्छा प्लेयर है, 20 नॉट आउट किया पहले में, 2 विकेट भी निकाला, हेड टू हेड में 7 मैच में 7 विकेट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फजल अक फारूकी पहले मैच में 2 विकेट इसको भी यहाँ पर मिले थे और अच्छा बॉलिंग करवाया था, बहुत अच्छी स्विंग भी करवाता है स्टार्टिंग में और डेथ में भी अच्छी आता है। ब्रेंडन डगेट को 1 विकेट मिला था, हेड टू हेड में 4 मैच में 3 विकेट है। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से एलेक्स हेल्स है। मैथ्यू ग्लिक्स को आप बिल्कुल रख लेना क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में यही बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा राइली रोशो के साथ अगर आप चाहो तो जा सकते हो। मैं यहाँ से पिक करूँगा जेसन संगा, डेनियल सेम्स, गुरिंदर संधू और फजल अक फारूकी। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर हैं इनमें से 3-4 प्लेयर स्क्वाड में हैं, बेन कटिंग, नाथन मैकेंड्रयू, बैक्स्टर होल्ट, टॉबी ग्रे, इनमें से कोई भी खेलता है तो उसके स्टैट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से स्टार्टिंग के ओर डालेंगे फजल अक फारूकी, गुरिंदर संधू, डेथ के ओर डालेंगे गुरिंदर संधू, डेनियल सेम्स, फजल अक फारूकी, ब्रेंडन डगेट। बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम की, इनकी टीम भी अपना पहला मुकाबला जीती थी। ओपन किया था यहाँ पर जैक वेदरलैंड और मैथ्यू शॉर्ट ने। जैक वेदरलैंड की अगर मैं बात करूँ तो पहले मैच में 1 ही रन कर पाया था और इसका जो हाल का फॉर्म है ना वो उतना अच्छा है भी नहीं, 8-0-0-23 है। हेड टू हेड में 11 मैच में 302 हैं, तो आज हो सकता है कुछ अच्छा करे लेकिन अब तक तो कुछ खास किया नहीं है। मैथ्यू शॉर्ट पहले मैच में बहुत बढ़िया खेला था, इसने यहाँ पर 84 रन भी किए थे, 2 ओवर डाले थे, हालांकि विकेटलेस गया था। लास्ट सीजन 16 मैच में 493 रन 8 विकेट है और हेड टू हेड में 10 मैच में 130 रन 1 विकेट है। क्रिस लिन पहले मैच में 41 किया और हालिया फॉर्म इसका बढ़िया है, हेड टू हेड में भी 16 मैच में 589 रन है, तो आप बिल्कुल मिस मत करना। एडम होज पहले 40 रन की अच्छी नोक इसने खेली थी,
डेब्यू था इसका बिग बैश सीरीज में, लेकिन अच्छा खेला था। कॉलिन डिग्रैंडम 7 रन किए, 3 ओवर डाले, विकेट इसको नहीं मिला था। 231 मैच में 3817 रन, 69 विकेट है। राशिद खान पहले मैच में 3 विकेट थे, हेड टू हेड में 9 मैच में 65 रन, 11 विकेट हैं। इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि जो इंग्लिश प्लेयर्स होते हैं या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होते हैं वो स्पिनर्स को उतना अच्छा खेलते भी नहीं है। थॉमस केली एक नो डाउट है, हेड टू हेड में 3 मैच में 36 रन है। हैरी निल्सन की बैटिंग नहीं है, ये सिर्फ ये मान के चल सकते हो कि विकेट कीपिंग के लिए खेलता है। वेस एगार पहले मैच में विकेट लेस था, हेड टू हेड में 6 मैच में 4 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट है। यहाँ से हेनरी थोरंटन है जिसके नाम 4 विकेट थे पहले मैच में, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट है, और लास्ट सीजन भी 7 मैच में 13 विकेट था। और पिछला वाला मैच पता होगा आपको, इसने ही अपन को जितवाया था क्योंकि बहुत ही अच्छा बॉलर है, लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं ले रखा था। पीटर सिडल आज के दिन इंपॉर्टेंट रहेगा अगर यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम पहले अगर यहाँ पर क्या करती है, बॉलिंग करती है, क्योंकि भले ही पहले मैच में विकेट लेस रहा हो लेकिन लास्ट सीजन आप देख लो, हेड टू हेड में देख लो पहले तो इसका 12 मैच में 19 विकेट है, और हेड टू हेड में और यहाँ पर लास्ट सीजन 17 मैच में 30 विकेट है, तो बढ़िया रिकॉर्ड है। इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है पीटर सिडल आज। अभी के लिए मैं पिक करूंगा मैथ्यू शॉर्ट, क्रिस लिन, एडम होज, राशिद खान, यहाँ से हेनरी थोरंटन। बाकी बेंच पर इनके सिर्फ 2 प्लेयर थे लास्ट मैच में स्क्वाड में, इस दिन अभी आज इनका स्क्वाड आया भी नहीं है। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे मैथ्यू शॉर्ट, वेस एगार, हेनरी थोरंटन। डेथ के ओवर डालेंगे पीटर सिडल, थोरंटन और राशिद खान। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम है भाइयों, विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर रखा है मैथ्यू ग्लिक्स को, और बैटिंग सेक्शन से मैंने रखा है एडम होज, क्रिस लिन, एलेक्स हेज। ऑलराउंडर सेक्शन से डेनियल सेम्स, मैथ्यू शॉर्ट और जैसन संगा को रखा है। बॉलिंग सेक्शन से फजल हक फारूकी, हेनरी थोरंटन, राशिद खान और गुरिंदर संधू को रखा है। कैप्टन मेरे यहाँ से डेनियल सेम्स है, वॉइस कैप्टन मैथ्यू शॉर्ट है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।